स्वागत है स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स पार्ट 2, राइट। हमने लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरीके से फॉर्म होता है। यस, इट इज समवॉट सिमिलर टू योर प्रोबेबिलिटी। यस, सारे के सारे एग्जांपल्स वही रहने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं होने वाला। फर्क इतना होने वाला है कि पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी में हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, राइट। बट नाउ इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज आपको अलग 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 फाइंड नहीं करना है, एक ही टेबल में सारे प्रोबेबिलिटीज लिख देना है, राइट। वी हैड सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इसमें एक चीज नया सीखा था, दैट वॉज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मीन्स व्हाट? इट इज जस्ट नंबर ऑफ थिंग्स। किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो आप लिखते हो उसको आप रैंडम वेरिएबल बना सकते हो, एंड रैंडम वेरिएबल के जितने भी वैल्यूज होता है उसके प्रोबेबिलिटीज अगर आप उस टेबल में लिख दो, देन दैट टेबल विल बी मेक अप ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटीज। अ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटीज, दिस कंप्लीट्स योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल राइट फ्रॉम योर लास्ट लेक्चर, सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए कि हमने क्या क्या सीखा था। सो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड दैट इज a coin is tossed two times. When a coin is tossed two times, iska sample space kya banega? HHTD. HT, HT. Correct? So there are four such values in the sample space. अब आपका random variable क्या बन सकता है? या तो head या तो tail. Occurrence of head and occurrence of tail. मैं काम करता हूँ, रैंडम वेरिएबल को ले लेता हूँ नंबर ऑफ हेड्स, कि कितने हेड्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स। सो कैन आई से इन माय टेबल एक्स विल कंटेन व्हाट वैल्यूज? नंबर ऑफ हेड्स कैन बी आइदर जीरो, हेड आएगा ही नहीं, या फिर एक बार आएगा, या फिर दोनों बार आएगा। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ हेड अकर्स जीरो, एक भी बार हेड नहीं आया, एक केस। So, एक केस मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। नंबर ऑफ हेड्स अकर्स 1, एक बार दो बार, सो 2/4 मतलब 1/2। नंबर ऑफ हेड्स अकर्स 2 टाइम्स, एक ही ऐसा है चार में से। सो दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड लास्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है। रैंडम वेरिएबल होना चाहिए, उसके प्रोबेबिलिटीज होने चाहिए, एंड ऑल दीज आर सिमिलर टू प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दैट यू हैव ऑलरेडी सॉल्वड इन प्रीवियस क्लासेस, राइट। ओके, अब ये टेबल तो बन गया, इस टेबल को थोड़ा और स्टडी करते हैं कैसे। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मीन्स व्हाट? एक चीज याद करो, 10th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी हुआ करता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड व्हाट वाज दैट प्रोबेबिलिटी? Sum of all probabilities is equals to 1. Sum of all probabilities is 1. Correct? ये बहुत ही important property हुआ करता था, sum of all probabilities equals to 1. याद करो चाहिए तो, अगर मान लो कि मैंने एक बार coin toss किया, one coin is tossed, तो या तो head आता है या तो tail आता है। Head आने का chances कितना होता है? 1/2. Tail आने का chances 1/2. Sum of all probabilities, half plus half क्या होता है? 1. ये सीखा था हमने, sum of all probabilities is always equals to 1 for any given experiment. इतना ही नहीं, यहाँ पर भी दो बार coin toss किया है, हमने head के occurrence लिखा, उसका probability लिखा, इसका भी sum of all probabilities should be equals to 1. चाहो तो देख लो, in the above example, मतलब कौन सा वाला एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं? ये वाला एग्जांपल की, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होगा? देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, देखो कितना आंसर आएगा। एक्स इक्वल टू 0 कितना है? 1/4। एक्स इक्वल टू 1 कितना है? 2/4। 1/2 भी लिख सकता हूं, बट मैं 2/4 लिख रहा हूं बिकॉज ऐड करना में इजी हो जाएगा। 1/4, चलो ऐड करो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4/4, एंड 4/4 इज 1। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम मतलब प्लस, किसको ऐड कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, तीनों को ऐड किया, आंसर
square one. It means, can I write one very important thing, that is summation of probabilities is 1. मैंने क्या लिखा? Summation of probability is equals to 1. When sum of all probability is equals to 1, then you say that the given function, ये जो भी given है, is a probability mass function. Probability mass function, that is PMF. Okay, तो आप क्या लिख सकते हो? The given function is a probability mass function. कब लिख सकते हो? जब कोई भी एक probability distribution table अगर आपके सामने आया और चेक करना है कि ये probability mass function है कि नहीं, तो क्या करोगे? ये जितने भी probabilities आपको दिए, उन सबको add करके चेक करो कि one आता है कि नहीं. अगर सारे probabilities का addition one आया, it means the given function is valid and it is known as probability mass function. इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है. This is the only important part that we have to solve. कुछ नहीं है question में. टेबल बना बनाया दिया होगा, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके चेक कर लो वन आता है कि नहीं. आया तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, नहीं आया तो नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इट इज दैट इजी. नहीं समझ में आया? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड देन लुक एट दिस, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3. 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल. एक टेबल दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं, उसमें से मैं पहला सब क्वेश्चन ले रहा हूँ. There is a probability distribution table which is given. X is the random variable, correct? तो ये actually table के form में है, तो आपको question इस तरीके से दिखेगा. Random variable 0, 1, 2. P of X 0.4, 0.4, 0.2. कुछ भी दिया, doesn't matter. हमें क्या करना है? चेक कर रहे हैं कि ये probability mass function है या नहीं. कैसे चेक करोगे? सारे probabilities को add करके देख लो. अगर एडिशन वन आया तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, वरना नहीं है. सिंपल. सो ऐड करके कैसे देखेंगे? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2. पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कितना है? 0.4, 0.4, 0.2. 0.4 प्लस 0.4, 0.8 प्लस 0.2 इज 1. क्या सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन वन आया? आया. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. या फिर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में. बोला था ना, चैप्टर बहुत इजी है. क्वेश्चन 3, राइट डाउन द फर्स्ट वन. आगे क्वेश्चन में सॉल्व करना, मेक अ नोट ऑफ दिस. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वन हमने कर लिया है और मैंने एक चीज और बता दी थी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मींस व्हाट? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1. सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज अगेन अ टेबल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एक्स के वैल्यूज दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, करेक्ट? हमें क्या कर रहे हैं? इन सबको ऐड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आंसर वन आता है कि नहीं. ठीक है, वो तो कर लेंगे. एक चीज और सिखा दूं, प्रोबेबिलिटी का आंसर जितने भी वैल्यू यहां पर दिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. प्रोबेबिलिटी का वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. याद करो 10 स्टैंडर्ड में इट वॉज ऑलवेज मेंशन दैट प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. ये हमें सिखाया गया था 10 स्टैंडर्ड में. प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है. नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता. बट यहां पर अगर आप क्या देखोगे, वैल्यू इज गिवन एज नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं चलेगा, इट मींस मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. मुझे ऐड करके चेक करने की भी जरूरत नहीं है. चाहो तो कर लो, वैसे भी वो वन नहीं आने वाला है. बट फिर भी आप डायरेक्टली ये नेगेटिव देख के लिख सकते हो कि द गिवन फंक्शन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो मैं यहां पर ऐड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पर लिखने वाला हूं probability
any random variable cannot be negative. Probability कभी negative हो ही नहीं सकता. एक और चीज, 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता. अगर यहां पर 1.2, 1.1, 10.3 ऐसा लिखा होता तो भी मैं लिखता it is not a probability mass function. ठीक है, because 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता. Probability of any random variable cannot be negative. Therefore, the given function is not a probability mass function. Okay, so probability mass function को define करने की दो चीजें होंगी. पहला, sum of all probability बनना चाहिए. दूसरा, probability का answer कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगा. ग्रेटर देन वन नहीं चलेगा. वन से ज्यादा नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा. ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. ओके, सेकंड वन इज सॉल्व. थर्ड वन पे आते हैं. x इज गिवन, p ऑफ x इज गिवन, x इज अ रैंडम वेरिएबल. ये सारे प्रोबेबिलिटीज है, कोई भी वन से ज्यादा नहीं है, करेक्ट है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, करेक्ट है. तो मैं सीधा फाइंड करूंगा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, व्हिच इज p of when x is equal to 0, p of when x is equal to 1, plus p of when x is equal to 2. इन सब को ऐड करके देखेंगे 0.1, 0.6, 0.3, 0.7 plus 0.3 is 1. So can I say therefore sum of all probabilities is equal to 1? Therefore the given function is probability mass function. Probability mass function. I hope this is clear. Very easy. So first one यहाँ पर हमने जो solve किया second question उसमें probability negative था, हमने लिख दिया it is not a probability mass function. Add करके देखोगे तो भी वो one नहीं आएगा. And this one is one, so it is a probability mass function. Next, let's move to fourth question. यहाँ पर random variable को z लिखा गया चलेगा. नाम आप कुछ भी दे सकते हो, x दो, y दो, z दो, it is allowed. But generally हम लोग x देते हैं, इस question में z है. चलो, so z is 3, 2, 1, 0, 1, -1, ये सारे random values हैं. अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर negative i चलेगा? चलेगा. Random variable का value negative is allowed. Probability आपका negative नहीं होना चाहिए या फिर one से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये तो one से ज़्यादा हो सकता है ना, उसमें क्या problem है? Random variable is the number. It is nothing but number of things मैंने लिखवाया था. So random variable can be negative, can be zero, can be more than one. Only the probabilities cannot be negative and cannot be more than one. याद रखना, ठीक है? So यहाँ पर probability तो proper है, कोई problem ही नहीं है. तो what I can do is I find sum of all probabilities. तो sum of all probability कैसे find करेंगे? Sum of all probabilities is probability when z is equal to 3 plus probability when z is equal to 2 plus probability when z is equal to 1 plus probability when z is equal to 0 plus probability when z is equal to minus 1. सारे के सारे probabilities add करूँगा, which is 0.3 plus 0.2 0.4 plus 0 plus 0.05. add करते हैं, 0.5 plus 0.4 is 0.9 plus 0, 0.95 हो गया. तो अरे ये तो 1 नहीं आया, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? Therefore sum of all probabilities is not equals to 1. So table तो proper था लेकिन addition पर नहीं आया. That means what? Therefore the given function is not a probability mass function. That is my answer. I hope this is clear. So probability mass function में सिर्फ दो चीजें important हैं. पहला, सारे के सारे probabilities का addition बनना चाहिए. दूसरा, कोई भी probability negative नहीं होना चाहिए, वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है? So make a note of this. Second, third and fourth question. Question number 3 में दो sub questions और हैं. Fifth और sixth वो आप कर लोगे, मुझे पता है, बहुत आसान है. आपको पता है क्या करना है. Okay? So write this and then we start the next question. Now I'll start with question number 8 because it is similar to your probability mass function question number 3 जो हमने solve किया, correct? So jump to question 8. यहाँ पर भी आपको एक probability distribution table बना के दिया हुआ है. क्या पूछा है? A random variable x has the following probability distribution.
x के वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बड़ा टेबल दिया है और उसके प्रोबेबिलिटीज दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो k के फॉर्म में दिया है और मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यूज है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ऐसा k के फॉर्म में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मतलब मुझे ये k को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद I can actually find the actual probabilities of all these random variables, right? अब k को कैसे ढूंढेंगे? और यही जो पूछा है, determine the value of k और बाकी जो पूछा है जब मैं बाद में बताऊंगा। अब k कैसे find करेंगे? उसके लिए मुझे probability mass function की help लेनी पड़ेगी। अब question में already mentioned है, the given random variable has the proper probability distribution, मतलब ये probability mass function, probability sum of all probability equals to 1 को follow तो करेगा, नहीं करता तो ये सब चीज़ हम लोग मिल, ये सब चीज़ अपने को मिलता ही नहीं, right? So what I'll write is, given function is a probability mass function. The given function is a probability mass function. If this given distribution is a probability distribution, तो उसको probability mass function भी बोल सकते हैं, right? अगर ये probability mass function है, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? Sum of all probabilities is equal to 1. If sum of all probabilities is equal to 1, it means probability when x is equal to 0 plus probability when x is equal to 1 plus probability when x is equal to 2, when x is equal to 3, when x is equal to 4, when x is equal to 5, 6 and 7, इन सबका probability is का सबका probability का sum is equal to 1, इसका value कितना दिया? 0, 0, plus x is equal to 1 का k, plus 2k, plus एक और बार 2k, plus 3k, plus k square, plus 2k square, plus 7k square, plus k is equals to 1. अब देखो, 0 तो कुछ मायने नहीं रखता, k plus 2k, 3k, 5k, 8k, 9k, k square plus 2k square, 3k square, 3k square plus 7k square is 10k square is equals to 1. 1 को अगर मैं यहां ले लूं, तो can I say this will become a quadratic equation? और क्या ये quadratic equation में solve कर सकता हूँ? Yes, why not? So let's solve this. 10k square factors will be 10 manza because 10 minus 1 is 9 or 10 manza यहाँ पर minus 10 चाहिए. 10k common k plus 1 minus 1 common k plus 1. So k plus 1 and 10k minus 1 is equal to 0. अब k plus 1 equal to 0 और 10k plus sorry minus 1 equal to 0, 0 0 बांट दिया, इससे मुझे क्या मिलेगा? k का value minus 1 और k का value 1/10. Now tell me one thing, k का value negative चलेगा क्या? k अगर negative होगा तो probability negative हो जाएगा और probability negative तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? Value of k cannot be negative. Therefore, k is not equals to minus 1. तो k का value कितना होगा? 1/10. That's it. So k का value मिल गया, मतलब मेरा first part खत्म. आपको एक mark तो easily मिल जाएगा. उसके बाद मुझे क्या पूछा है? Find the probability when x is less than equal to 3. Find the probability when x is less than 3 means what? Less than 3 means 3 से छोटे वाले value. X का value 3 से छोटा. X का value 3 से छोटा मतलब 0, 1 और 2. Probability when x is less than 3 मतलब 0, 1 और 2 के probabilities का addition मुझे चाहिए. Correct है? तो एक चीज आप क्या कर सकते हो? K का value मिल गया. इस K के value के साथ आप सारे के सारे probabilities find कर सकते हो. But मैं नहीं find करता because unnecessary सब लिखना पड़ेगा. जरूरत तो है नहीं. मुझे क्या जरूरत है? मैं वही लिखता हूँ. मुझे क्या जरूरत है? Second part. Probability when x is less than 3 means what? Probability when x is 0 plus probability when x is 1 plus probability when x is 2. Less than 3 में ये तीनों चीजें आती हैं, तो मैं तीनों चीजें ही find करूँगा. सब क्यों find करूँ? Right? Otherwise what you can do is सब find कर लो, फिर add कर देना तो भी चलेगा. Probability when x is 0 कितना है? 0. Probability when x is
is 1 कितना है k, when x is 2 कितना है 2k, so 0 plus k k, k plus 2k is 3k and k का value is 1 by 10, so answer आ गया 3 by 10. और ये किसका आंसर है, probability when x less than 3 is 3 by 10. आई होप आपको समझ में आएगा कैसे फाइंड किया. लेस देन 3 में ये तीनों आता है, इन तीनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, k का वैल्यू पुट कर दिया. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, k का वैल्यू पहले ही पुट कर दो सब में और फिर इन तीनों का जो भी आंसर आएगा ऐड कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, चेक कर लो, 1 by 10 2 by 10 को ऐड करो 3 by 10 सीधी आंसर. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, थर्ड वन इट सेज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, मतलब probability when x is 5, probability when x is 6 and probability when x is 7. तो x is 5 का value कितना, k square plus 2k square plus 7k square plus k, k square plus 2k square 3k square plus 7k square is 10k square plus k. अब k का value तो पता है ना, 1 by 10, so 1 by 10 का square, square मतलब दो बार लिख दो, plus k मतलब 1 by 10, ये 10 कटा, 1 by 10 plus 1 by 10 is 2 by 10, that is the answer. और ये किसका answer है, probability when x is greater than 4 का answer, 2 by 10, greater than 4 में कौन आता है, 5, 6 और 7 आता है, 0, 2 by 10 answer है, less than 3 में कौन आता है, 0, 1 और 2 है, 3 by 10. ओके, सो इन तीनों को मिला के 3 by 10, इन तीनों को मिला के 2 by 10. आई होप द आंसर इज क्लियर. डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द क्वेश्चन, मैंने उनके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया. आप चाहो तो सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, k का वैल्यू पुट करके और फिर ऐड कर देना तो भी चलेगा. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 8. यू कैन हैव मेनी सच क्वेश्चंस व्हिच बिलोंग्स टू क्वेश्चन 8. आपके एक्सरसाइज में फिलहाल एक ही ऐसा क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो 3 मार्क के लिए आ सकता है. क्या दिया होगा क्वेश्चन में, एक टेबल दिया होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं दिया होगा, के दिया होगा या सी दिया होगा, कुछ तो कांस्टेंट दिया होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करने का, के फाइंड करने का, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगा, फिर चेक कर लो कि क्या फाइंड कर रहा है, लेस देन 3, लेस देन 5, लेस देन 6, ग्रेटर देन 2, कुछ भी हो सकता है. Depending on what is to be calculated, you can find the probabilities. Okay, this completes question number 8 and questions based on probability mass function. जितने भी probability mass function के questions थे, question 3 and question 8 वो हमने आज कर लिया. Okay, so write this down, make a note of it. If you all have any doubts, do let me know.